फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल कुकिंग विद इंदू में आपका स्वागत है। मैं हूँ इंदिरा। आज मैंने बनाया है आलू और ब्रेड का बहुत ही मजेदार और चटपटा नाश्ता है। बच्चों को जरूर पसंद आएगा, उन्हें जरूर बना के खिलाइए। बहुत ही आसान है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बॉइल आलू लिया है, ये बिग साइज के 3 है। इसमें टोटल आप 4 से 5 लोगों के लिए नाश्ते में बना सकते हैं। तो अब आलू देखिए मैंने मैश कर लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है ये आमचूर पाउडर, ये जीरा पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची, जितना आपके बच्चे तीखा खाते हैं, और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, मेरे पास हरी धनिया नहीं थी इसीलिए मैंने डाला। और ये थोड़ा स्वादानुसार नमक। मैं इसे अच्छी तरह मिला लूंगी। आप इसमें चाहे तो काली मिरी चाट मसाला भी डाल सकते हैं, पर इतना डालने पे भी ये बहुत टेस्टी बनेगा। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। मैदे में मैंने यहाँ पर मिलाया है काली मिरी, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, जितना आपको टेस्ट के हिसाब से। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे फेंट लूँगी। मुझे इसका पतला बैटर तैयार करना है। घोल आपका पतला होना चाहिए, ज़्यादा ठीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इसे आलू पे कोट करूँगी। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह पतला होना चाहिए, इससे जो आप ये पकौड़े बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर सॉस लिया है, आप चिली सॉस भी ले सकते हैं। मैंने केचप लिया है, यहाँ पर आपके बच्चे जो खाते हैं आप वो लगा सकते हैं, आप हरी चटनी भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर जो ये स्टफिंग बनाई थी इसे इस पर अच्छी तरह चिपका लेती हूँ। तो इस चम्मच से इस तरह इसको दबा देने से ये बहुत ही अच्छे से इस पर चिपक जाता है। अब मैं इस पे ये मैदे का घोल डाल देती हूँ। आप चाहिए तो बेसन का भी घोल बना सकते हैं, लेकिन मैदे से ये बहुत क्रिस्पी होता है। तो एक साइड मैंने गैस पर डोसे का तवा रख दिया है, उस पर हल्का सा बटर मैंने ग्रीस किया था, आप ऑयल घी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया है, इसे मैं अच्छी तरह यहाँ पर सेक लूँगी। तो ये बहुत क्रिस्पी और बहुत ही चटपटा लगता है। तो देखिए इस तरह मैं इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लूँगी। बस इसे दोनों तरफ इस तरह अच्छे से सेक लेना है, एकदम रोस्ट कर लेना है। देखिए कलर देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड यूज किया है, आप व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। तो देखिए कितना क्रिस्पी दिख रहा है, बस झटपट बनके रेडी हो गया है ना। कितना आसान और इजी। कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर दीजिए, और ज्यादा पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह आपको आगे मजेदार और बढ़िया रेसिपी मिलती रहेगी। और इस बारिश में कम तेल में, तेल क्या मैंने देखिए लगाया ही नहीं है, बस आप बटर लगा के भी इसे ये कर सकते हैं, टोस्ट कर सकते हैं। मैंने इस पे थोड़े से ककड़ी और टमाटर डाल दिए हैं, आप सेव डाल सकते हैं, जैसा आपको सर्व करना है। तो देखिए रेडी है। तो कैसी लगी? अच्छी है ना? तो चलिए मिलती हूँ कोई अच्छी और बढ़िया रेसिपी के साथ। बाय बाय।